हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 नवंबर 2022 को गोरखपुर के MSI इंटर कॉलेज में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। हमारी चैनल से बात करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री जफर अहमद खान ने बताया कि मैं जफर अहमद खान, प्रधानाचार्य MSI इंटर कॉलेज और इस समग्र शिक्षा अभियान जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजक। आज MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन गोरखपुर जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान की समझ को बढ़ाने के लिए, नई सोच पैदा करने के लिए किया गया है। आज के इस प्रदर्शनी में गोरखपुर जनपद के विभिन्न विद्यालयों से जूनियर वर्ग में 32 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 65 है और उनके गाइड टीचर्स जो उनके साथ आए हुए हैं उनकी संख्या 32 है। इसी तरह से सीनियर डिवीजन में 27 टीमों ने प्रतिभाग किया, प्रतिभागियों की संख्या 49 है और उनके गाइड टीचर्स की संख्या 27 है। ये प्रदर्शनी जो संपन्न हो रही है, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 निरीक्षकों को लगाया गया है, जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय से संबंधित विज्ञान के विषयों के प्रोफेसर हैं। उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर दोनों डिवीजन में, जूनियर और सीनियर डिवीजन में, 3-3 छात्र छात्राओं का या 3-3 टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा उन 3 के अतिरिक्त 5-5 ऐसे छात्र चुने जाएंगे जिन्हें सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राएं होंगे, यही मंडल स्तर पर गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में प्रस्तावित है और वहीं ये बच्चे जाकर के गोरखपुर जनपद का प्रतिनिधित्व मंडल स्तर पर करेंगे। मैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अपने चैनल के लिए कवर किया और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये टी न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल जो है वो इसी तरह से शिक्षा से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों को अपने इस चैनल में स्थान देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो भी 16 ट्रांस होते हैं वो उनकी क्या होते हैं, वैलिडिटी बस 25-30 साल होती है, उसके बाद जब वो खराब हो जाते हैं तो उन्हें रिसाइकलिंग करना पड़ता है। रिसाइकलिंग करने के लिए रिसाइकलिंग की प्रोसेस है 16 वेस्ट मेजरमेंट। उसके बाद पहले तो हम 16 को क्या करेंगे, सारे जितने भी 16 वेस्ट हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उन सारे पार्टिकल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद उसके पीवी फोटो वैलेट्स होते हैं, उन सब चीजों को अलग अलग करके कट करेंगे। उसके बाद फिर क्या होते हैं, रोटेटिंग का। फिर उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको ग्लास को एक साइड करते हैं और फिर बाकी चीजों को थर्मल प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसके बाद 100% मेटल्स को यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर रोटेटिंग करते हैं, जब ये थर्मल प्रोसेसिंग होने के बाद फिर रोटेटिंग करते हैं। रोटेटिंग करने के बाद जो उसके सॉलिड और लिक्विड पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। मैं मारवा इंटर कॉलेज से, इसका नाम है लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। ये सेंसर है, ये मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होके जिसमें सेंसर पे आता है
और अगर इसको कोई बाउंड्री या गेट से क्रॉस करने की कोशिश करता है तो यहाँ से बजर से बीप होने लगता है। हमारा प्रोजेक्ट फ्लोटिंग हाउस है जो बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, जैसे कि जब बाढ़ आती है तो घर डूब जाते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं डूबेगा, ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा, ये 5 मीटर ऊपर तक तैरने लगता है। ये ऊपर की तरफ आने लगी है, इसको इतना डीप करेंगे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये घर जो है हमारे एयर टैंक का यूज करेंगे नीचे, जिससे कि उपलावक बल के बेस पे ही ऊपर उठ रहे हैं, इसके नीचे पानी उपलावक बल इससे वो नीचे से देगा और ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी वजह से ऊपर उठ जाएगा और ये पानी में डूबेगा नहीं। और ये दो तरह के घर होते हैं, एक होते हैं जो परमानेंटली मतलब पानी पे तैरते रहते हैं और एक होता है बाढ़ आने पे बस तैरेंगे, उसके बाद अब नॉर्मली डे में अपने नीचे आ जाएंगे। हम यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा के दो स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, एक वायु ऊर्जा और एक सौर ऊर्जा। इसमें वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है और सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर इस वायु की ऊर्जा से बैटरी चार्ज होगी और फिर रात को लाइट चलेगी और सूर्य की ऊर्जा से भी यही होगा। पश्चिम का इंटर कॉलेज से है बजिला और हमारा नाम सुमित है, इसका नाम सार्थक है और ये संतोष है और ये रोहित है। हम लोगों ने विंड मिल बनाया है जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को डायनेमो द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिससे LED जलने लगता है। देखिए सर, इंद्रसना इंटर कॉलेज से हम बोल रहे हैं, मेरा नाम है अरविंद कुमार। हमने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमने सोलर सिस्टम बनाया है, बायोगैस बनाया है और एक वाइन मिल बनाया है। इसके बारे में जो बता सकते हैं, यह एक नवीकरणीय स्रोत है जो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। मेरा नाम आदर्श कुमार यादव है, आई कमिंग फ्रॉम रफीक अहमद किदवई इंटर कॉलेज। हम पॉल्यूशन एंड वेस्टेड वाटर एंड स्ट्रीट लाइट एंड स्मार्ट ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट एंड स्मार्ट सिटी, और जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है अंधेरा होने के बाद ऑटोमेटिक जल जाएगा, और हम लोग स्मार्ट सिटी में पानी की समस्या होती है तो हम लोग चेंबर बनाए हैं जिसे 24 घंटे में एक बार खोला जाएगा ताकि कम से कम पानी की वो हो, उसके बाद वहाँ से पानी तालाब में आएगी, तालाब से हम स्टोर तालाब में होगी, उसके बाद वहाँ से हम एग्रीकल्चर के लिए भी पानी का यूज कर सकते हैं और फॉरेस्ट में मतलब जब गर्मी पड़ता है पानी कमी होती है तो यूज कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ सोलर लाइट बैटरी स्टोर एंड ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अंदर में, और फैक्ट्री की जो पानी है वो इस पॉन्ड में जाती है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अपने पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। हम लोग वीर सैनी इंटर कॉलेज सराही से आए हैं। हम लोग का एक सिटी का प्रोजेक्ट है जिसे हम लोगों ने प्रेजेंट और फ्यूचर की समस्याओं को देखते हुए उसका समाधान करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। ये एक पूरी सिटी का निर्माण किया गया है, इसमें कई ढेर सारी फीचर, इसका नाम है परफेक्ट एंड डेवलप्ड ग्रीन सिटी। यह इसके हर एक भाग को पूरे परफेक्शन के साथ बनाया गया है और तथा इसमें अलग अलग फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो फ्यूचर में हमारे बहुत काम आएंगे। इसमें सबसे पहला फीचर है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का, जो वर्षा के पानी को संग्रह करके उसे हम अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये लगा है कि टैंक जब भर जाता है, जब टैंक हमारा भर जाता है घरेलू, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरने लगता है, लेकिन ये इस सिस्टम के द्वारा ये है। हाँ चलेगा, जब ये सिस्टम के द्वारा ये टैंक में पानी भरेगा तो बाहर भी पानी एक भी मतलब बूंद नहीं गिरेगा पानी। देखिए टैंक में पानी भर रहा है, ठीक, अभी देखिएगा भर गया तो मोटर ही बंद हो गया और यहाँ पर रेड इंडिकेटर जलने लगे। मेरा नाम सर अंजल कुमार यादव, मैं MP इंटर कॉलेज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। ये मेरा प्रोजेक्ट है सर, इल्यूजन ऑफ लाइट सर। ये मॉडल ये हमने शो किया है कि सर नॉर्मल हम देखते हैं ये घर के डेकोरेशन में तो काम आता है सर। इसका प्रिंसिपल सर ये है कि इसमें सर दो तरह के मिरर लगे हैं सर, इसमें एक पहला प्लेन मिरर है और दूसरा ट्रांसपेरेंट मिरर है सर।
प्लेन मिरर से सर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है सर ट्रांसपेरेंट मिरर से, वो सर हमें वही से बाउंस बैक हो जा रही है सर। वो लाइट सर हमें इसकी प्रोसेस बार बार होने की वजह से इल्यूजन पैदा करता है कि बहुत ही गहरा है, लेकिन सर आप इसे देखेंगे कि गहरा नहीं है सर, इसका साइज बस बहुत ही पतला है सर, ये फ्रेम बहुत ही पतला है सर, बस ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि बहुत ही गहरा है। सर इसका मेन मोस्टिव ये है बनाने का कि सर ये तो घर के डेकोरेशन में आ सकता है, लेकिन सर इसके अंदर हम चाहते कोई भी चीज़ हाइड ही कर सकते हैं सर, हम इसमें मिलिट्री में घर के डेकोरेशन में तो ला सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सके, पेपर हो सका है सर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो आपके सर, पैसे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर सर हम फिक्स कर सकते हैं, इसको छुपा सकते हैं, जिससे कोई भी छुएगा या देखेगा उसे लगेगा सर ये नॉर्मल डेकोरेटिव आइटम ही है सर। इसे बंद करने पर सर देखेंगे कि मिरर का काम भी करता है सर, आपका चेहरा दिखाएगा, लेकिन ऑन कर देंगे ये इल्यूजन क्रिएट कर देगा आपको सर, ये मेन इसका मोटिव है सर। सर हम ये लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में बनाया है, इसमें बनाया कि कैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट लोग नदियों में प्रवाहित कर देते हैं और मानव के मल मूत्र भी इसमें प्रवाहित कर देते हैं बिना उपचार किए, और नदियों के किनारे लोग कपड़े धोते हैं उसमें अपने जानवरों को नहलाते हैं। किसान इंटर कॉलेज अरौली जिलापुर, इस मॉडल के थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है और इसकी रोकथाम क्या है। एयर पोल्यूशन कारखानों से निकले हुए धुएं, वाहनों से धुएं, अचीवनियों से धुएं निकलने से एयर पोल्यूशन फैलता है, मानव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हेलो सर, माय नेम इज सना अंसारी। माय नेम इज अजमान आज। वी आर फ्रॉम मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू वेस्ट वाटर। वेस्ट इज द बेस्ट, हमने सारा मटेरियल यहाँ पे वेस्ट से बनाया है। ये हमारा है वाटर एब्जॉर्बिंग रोड सर, ये हमारा वाटर एब्जॉर्बिंग रोड, ये हमारे जो बारिश का पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और हम इसे कलेक्ट करते हैं, हम इसे अपने डैम में कलेक्ट करेंगे सारे वाटर को, जिसका कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ दिया है। जब तक वाटर इसमें रहता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है, जब इसमें हम फिर जब पानी यहाँ गिरता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, इससे पड़ता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में होता है, इसमें है डायनमो, ये जनरेटर है जो वो फैराडे के नियम से कार्य करता है, ये इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जिससे हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया इलेक्ट्रिसिटी से अपने स्ट्रीट लाइट पर। ये हमारी स्ट्रीट लाइट है, इससे लाइट चलती है, इसका यूज हम घरों में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पानी आ रहा है वो हमारा ये बारिश का पानी जो हम अपने छत पे कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से, और ये किचन का पानी और हमारे बाथरूम का जो वेस्टेज है हमारे सारे हमने यहाँ पे कलेक्ट करा है। हम लोगों ने ये घर बनाने में प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया, इसमें बॉटल है एज अ ब्रिक यूज किया इसमें। ये जो प्लास्टिक बॉटल है ये इंसुलेटेड रहती है, इसको जब हम बनाते हैं तो इंसुलेटेड का मतलब बाहर की ऊष्मा जो होती है अंदर नहीं आ पाती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है, यानी गर्मी में ये जो हाउस रहेगा ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा, जैसा अंदर का टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से ये रहेगा। मेरा नाम सिंपी है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम वर्षा जल संरक्षण है। भारत में एक तिहाई भाग जल है, उसका 1% भाग हम मीठा जल में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2030 में 40% आबादी को पानी का किल्लत होने वाला है, तो अभी से हम वर्षा जल का उपयोग करके सही पानी की किल्लत को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे हम वर्षा यहाँ पे होगा वर्षा के जल को यहाँ पे टैंक में स्टोर करके उसको फिल्टर करके उसका उपयोग हम सिंचाई में, घर की साफ सफाई में, अतिरिक्त कामों में कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ पानी को कुएं में डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वी आर फ्रॉम महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। आई एम अंशिता मिश्रा। एंड आई एम उदिता सिंह। आई एम सृष्टि यादव। आई एम शालिनी। हमने एक रोड बनाया है, जैसे ये नॉर्मल रोड है जिसपे बारिश होने की वजह से इसपे बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और ये हमने एक रोड बनाया है जिसमें हमने कंक्रीट का यूज किया है, मगर इसमें एक फिक्स रेशियो है,
जिससे हमारी रोड बहुत दिनों तक रहेगी और बार बार इसे मेंटेन करने का खर्च भी नहीं लगेगा। और हमने एक इसमें अलग टाइप का एक सब्सटेंस यूज किया जिसका नाम है सोडी सोडियम पॉलीएथिलीन। सर हमारी इस रोड में और जो हमारी आजकल की रोड है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो आज की रोड है वो एस्फाल्ट की बनी होती है, बिटमिन की बनी होती है, चारकोल वगैरह की बनी होती है। तो जो चारकोल होता है वो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है और कार्बन का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वो हीट को ट्रैप करता है। तो ये जो हीट इसमें ट्रैप होती है रोड में, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होती है। एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है रोड की, वो जल्दी खराब हो सकती है, जल्दी टूटती है। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है क्योंकि वो कार्बन हीट ट्रैप कर रहा है। तो हमारी जो रोड है इसमें हमने एस्फाल्ट और बिटुमेन का यूज नहीं किया है, कोई भी कार्बन सब्सटेंस नहीं है। जो नॉर्मल रोड के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसे यूज किया है, बस इसका रेशियो अलग है। गुड आफ्टरनून सर, आई एम वेरी फन ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर सर एम बारह मुजफ्फर कॉलेज एम स्टैंडिंग हियर टू डिस्क्राइब अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा विषय है मानव जीवन विज्ञान का महत्व। जैसा कि आप हम जानते हैं हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं पहले के टाइम में, आज के टाइम में विलेज और सिटी पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। पहले के टाइम में हमें बिजली नहीं थी, पहले टाइम बिजली नहीं थी, लोग लैंप और कैंडल्स का यूज करते थे। और आज के टाइम में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं। एडिसन ने 1847 में जब बल्ब का आविष्कार किया तो आज हम देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर टाइप की लाइट, एलईडी लाइट देख सकते हैं, ट्यूब लाइट देख सकते हैं। और साइंस की वजह से हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब रेन पे रेन को डिटेक्ट करता है और बताता है कि कितने परसेंट बारिश होने वाली है। मतलब कहीं पर मान लीजिए माइनिंग वगैरह में बाढ़ हो गया है तो पहले ही मजदूरों को बता देगा कि कैसे वहाँ पर, मतलब वहाँ से बचने के लिए लाइफ जैकेट वगैरह यूज कर लेंगे। और इस पे ये पीसीबी पैनल होता है, इस पे बारिश की बूंदे गिरती है जिसकी वजह से यहाँ पर परसेंटेज बताता है। मान लीजिए देखिए बजर बजने लगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेन आने वाली है, मतलब इसमें मॉइस्चर होता है हाथ में उसकी वजह से। मेरा नाम सुजीत गुप्ता है, मैं बीड की बाजी सरहदी गोरखपुर का छात्र हूँ। सर मैंने स्पेस डेविस बनाया है जो कि अंतरिक्ष में फैल रहे सूर्य कटपुट के बारे में बताया गया है। सर स्पेस डेविस जो भी सेटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं वो 3 या 4 स्टेज में लॉन्च किए जा रहे हैं और ये कुछ ऊर्जी उनके अंतरिक्ष में छूट जा रहे हैं जो कि मलबे का रूप धारण कर रहे हैं। इससे हमारे सेटेलाइट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। स्पेस डेविस को अगर नहीं रोका गया तो ये हमारे सभी सेटेलाइट को ध्वस्त कर देगा और हम किसी भी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हुआ, तरह तरह के लाइव ब्रॉडकास्ट हुए आदि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हेलो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सुबा फातिमा और माय स्कूल नेम इज इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। हमने इस मॉडल में अपने सेव अर्थ के बारे में बताया है। 20वीं सदी से पहले हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता था, 20वीं सदी के बाद से पोल्यूटेड होना शुरू हो गया। अगर हम प्रयास करना चाहें तो बहुत तो हमारा अर्थ फिर से ऐसा हो सकता है। हम ना पेड़ को ना काटें और गंदा पानी नदियों में ना बहाएं, जिससे गंदा पानी बहाने से जो फैक्ट्रियों से धुआं जो निकलता है वो हमारे सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। और जो नदियों में जो गंदा पानी जाता है वो मछलियाँ पीती हैं और जो प्लास्टिक नदियों में जो प्लास्टिक बह के जाता है वो मछलियों के अंदर चला जाता है जिससे मछलियों का डाइजेशन खराब हो जाता है और जब खाना खाती हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाता है जिससे वो मर जाती हैं। इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरा नाम तहजीन सईद छोड़कर है। मैंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तैयार किया है मानव कल्याण में जीवन विज्ञान, जिसमें सीसीटीवी कैमराज है और भी कई अच्छी कई चीजें, जैसे सोलर पैनल्स हैं, पवन चक्री है और वेस्ट मटेरियल से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से सोलर पैनल से भी हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और सीसीटीवी कैमरा, जैसे कहीं से चोरी हो गई या पे कुछ भी हो गया तो उससे पुलिस को बहुत हेल्प मिलती है। मेरा नाम नर्सिता शुक्ला है, मैं हरनई के संपत्ति गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। मेरा जो मॉडल है वो पर्यावरण के मुद्दों से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक अपोहन और फैक्ट्री के धुएं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण से ऐसे में बाढ़ आते हैं, सूखा पड़ जाता है और
ज्वालामुखी असम में ज्वालामुखी फट जाता है। मेरा नाम निशा पांडे और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नेम राजकीय हाई स्कूल है और ये प्लास्टिक रिसाइकिल है। यहाँ पर प्लास्टिक वॉश होता है और यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में कट होता है, फिर से यहाँ पर आकर पिघलता है, फिर से हम लोग रास्ता बनाते हैं और ये एक फैब्रिक बनाते हैं। मेरा नाम संजुनी पांडे, मैं राजकीय हाई स्कूल डेली पढ़ते आई हूँ। ये है इंटीग्रेटिव फार्मिंग, इसका मतलब है समेकित कृषि। मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ की जमीन है, वो हमेशा एक ही चीज बोता है और काट लेता है, उससे उसका मुनाफा ज्यादा नहीं होता है। एक एकड़ में वो मछली पालन कर सकता है, एक एकड़ में मुर्गी पालन कर सकता है, एक एकड़ में वो अपना पशु पालन कर सकता है। बताने इसके बारे में, वर्षा जल से विद्युत उत्पादन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विद्युत बनाने के साथ साथ पृथ्वी के जल स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। दिखाओ, चालू कोई दिखाओ। मेरा नाम रवि यादव, मैं आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज से आया हूँ। ये सिक्योरिटी अलार्म है। चलो, जैसे कोई पीछे आगे से जाएगा तुरंत वाइब्रेशन करने लगेगा। मेरा नाम अनुष्का यादव है, मैं क्लास 9th से छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सरदार नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और मैं ये बनाई हूँ इलेक्ट्रिक लिफ्ट और इसका सिद्धांत है ये एक कैबिन है और इसे ये पुलिस सिस्टम, ये घिरनी है, इसे ऊपर से नीचे ये ऐसे काम करती है। और इस स्विच है, ये मोटर के सहारे डीसी मोटर है, इसके सहारे इसके इस सिद्धांत पर ये काम करती है। एक कम्यूटेटर है, इसे किसी भी भारी से भारी वस्तु को ऊपर से नीचे आसानी से ले जाया जा सकता है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सानिया फरवे, माय स्कूल नेम इज सानिया गर्ल्स इंटर कॉलेज जहीदाबाद गोरखनाथ गोरखपुर। ये फ्लूडिंग हाउस है और अक्सर बाढ़ इलाकों में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण जो है जान का खतरा बना रहता है, घर डूब जाते हैं और जान भी जाने का डर रहता है। तो उस वजह से इसमें मतलब पानी डाला जाए या तो ये ऊपर उठता रहता है, पानी डालो और इसके नीचे जो है उछलावन बंद लग रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर फ्लो कर रहा है। और ये बाढ़ इलाकों में बिजली का खतरा भी रहता है, बिजली जाती भी रहती है, बिजली नहीं रहती है उसकी वजह से ये सोलर पैनल लगाया गया है। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज से हूँ। सर, ये हम बनाए हैं सर वायु निष्कंदन यंत्र, हिंदी में बोले तो एयर फिल्टर मशीन। सर, सर ये जो हमारे कल एटमॉस्फेयर में आजकल बहुत प्रदूषण हो रहा है एटमॉस्फेयर, उस तरह से सर ये मशीन हर चौराहे पर लगाया जाएगा जिससे सर ये वायु प्रदूषित वायु को अपने अंदर खींचकर उसे फिल्टर करेगा। और उसके अंदर सर दो चैम्बर है, एक चैम्बर में सर धूल कंकड़ इकट्ठा होंगे, एक चैम्बर में गैस इकट्ठा होंगी सारी की सारी, और उसे हम इंडस्ट्रियल और सब उसमें कंपनियों में फैक्ट्रियों में यूज कर सकते हैं। जो बेस्ड है वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पे, वायरलेस इसका मतलब है यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट यूजिंग वायर, हम बिना वायर का यूज किए बगैर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ये पावर सोर्स है जिसको कनेक्टर से कनेक्ट किया है, कनेक्टर से कनेक्ट करते ही हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गया। ये हमारा है ट्रांजिस्टर, ये है रेजिस्टर और ये हमारा है कॉपर वायर जिसको टर्न में किया गया है, 30 टर्न्स लिए गए और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें फ्लो हो रहा है इसके पूरे चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको ले करके आ रहे हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है इसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो जा रहा है और करंट फ्लो होने की वजह से ये बल्ब हमारा जल जा रहा है। और ये हमारा बेस्ड है प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। हमारा टॉपिक है ओजोन परत, पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसे पाया जाता है। ओजोन परत जो है यदि ये ना रहे तो पृथ्वी पर बहुत सारे कीट वन वनस्पतियों मनुष्य में हानिकारक हो सकते हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ओजोन परत उसे रोकता है और शोषित करता है 90-99% और शोषित कर लेता है। यदि ये पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पे आती हैं, इससे हमें बहुत हानिकारक हो सकता है। ये स्मोक एब्जर्वर है, ये क्या करता है कि जो वायु होते हैं, वायु में जो दूषित प्रदूषण होते हैं, जो दूषित कण होते हैं उसको एब्जर्व करता है। इसके अंदर दो डीसी मोटर लगा हुआ है और फैन लगा हुआ है।
नीचे और ऊपर थोड़ा सा निकल देखो सर, ये अर्थक्वेक अलार्म है, जैसे भूकंप आता है तो ये लो। ये अपने आप बंद, जैसे इसके अंदर कॉइल है, जो कॉइल बैटरी के प्लस सिरे पे कनेक्ट है और एक कॉपर का वायर लटक रहा होगा वो माइनस सिरे पे कनेक्ट है, तो वो जब ये खिलता है तो सर्किट तैयार हो जाता है हमारा, जिसके कारण ये बजने लगता है। हमारा प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रेन वाटर को सेव करने का है, बारिश के पानी को यहाँ पर आने पर उसको बॉटल में कलेक्ट करना है, उसके बाद इससे जो भी आवश्यक कार्य हम लोग के हैं हम लोग कर सकते हैं। ये खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जमीन में सीधा डालकर मीठे पानी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। सर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट बनाया है और उसको ऐसे चलाइए, वहाँ से चलाइए। अंधेरा करने से ये जलेगा, ये ऑटोमेटिक है, अंधेरा होता है, अंधेरा होने पे ये ऑटोमेटिक जल जाता है और उजाला होता है तो ये ऑटोमेटिक बुझ जाता है, और स्ट्रीट लाइट बनाने का हमारा बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट इस जनरेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रीट लाइट के बिना बहुत से चीजों में हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती है, खासकर गांव में स्ट्रीट लाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में बिजली की सुविधाएं बहुत कम होती है, और हमारे बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सरकार इस चीज पे फोकस करे और ताकि हर गाँव में हर जगह स्ट्रीट लाइट को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाए। अगर किसी के पास घर बनना है, वो पढ़ने की इच्छा रखता है, तो वो स्ट्रीट लाइट के उजाले के नीचे भी पढ़ के अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। ये टॉपिक हमारा लाइट पोल्यूशन पे है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन से बहुत सारे नेचर पे इफेक्ट पड़ता है और जीव जंतुओं पे भी असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और जहाँ लाइट होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है, लेकिन शहर में इतनी ज्यादा लाइट है, जरूरत से ज्यादा भी लाइट जरूरत से ज्यादा लाइटें हो गई हैं शहर में, लाइट का यूज बहुत कम करना चाहिए जिससे हमारे नेचर को थोड़ा हानि ना हो। सर हमारे जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी पे है। सर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है पहले हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सर बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है बायो, बायो मीन्स होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेराइटी, मीन्स की स्पेसिस की वेराइटी, एनिमल्स की वेराइटी और फंजाई की वेराइटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी, इन सब की वेराइटीज को अगर हम एक साथ मिला दें तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और सर अब ये हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो सर हमने क्या किया, एक लोकल लेवल पे अपने विलेज लेवल पे अपने बायोडाइवर्सिटी को दिखाया है। सर यहाँ पे देखिए सर, द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर विलेज इज द फ्लड प्रॉब्लम दैट वी फेस एवरी मंथ एवरी ईयर, एंड सर हियर वी कैन रिप्रेजेंट रिपेरियन फॉरेस्ट। और सर यहाँ पे हमने एक्सटेंट एनिमल, मतलब जो थ्रेटन एनिमल जो हमारे लोकल लेवल पे बिल्कुल नहीं दिखाई देते, वो हमने यहाँ पे किया है। जैसे कि हम सारे अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, ये जो स्क्वायरल होती थी जो पहले दिखाई देती थी लेकिन अब नहीं दिखाई देती है, ये स्क्वायरल हो गई या फिर जो भी वल्चर हो गया ये अब हमें नहीं दिखाई देता है। और सर हमने क्या किया है यहाँ पे, वहाँ जो भी फ्लड प्रॉब्लम है, फ्लड एरिया है, वहाँ पे हमने एक पोरस अस्फाल्ट रोड का यूज किया है। सर हमारे एरिया में क्या होता है, विलेज लेवल पे क्या होता है कि यूथ उतने ज्यादा मतलब जागरूक नहीं है, वो जान नहीं पाते कि गवर्नमेंट कौन सा रोड बना रही है या फिर गवर्नमेंट पैसा भेज रही है तो वो रोड कौन सा बना रहे हैं लोग, ये हम नहीं जान पाते। लेकिन सर अगर हम पोरस अस्फाल्ट रूफ का यूज करते हैं रोड का, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और सर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और सर ये ज्यादा जल्दी गीला नहीं होता है। सर अब हम बात करते हैं कि सर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, सर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से
ये सारी जो भी हम क्या करें अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि शहर के लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम गांव में बसे, लेकिन गांव के लोग जो कि जिनके पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है वो उसी को नहीं बचा पा रहे हैं, वो अर्बनाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो सर अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, तो सर हमें इसमें क्या एक बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन भी जिम्मेदार है। और सर यहाँ पे हमने रिपेरियन फॉरेस्ट बनाया है। रिपेरियन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में होता है सर, रिपेरियन जो वर्ड है उसका मीन्स होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है इट इज अ एरिया ऑफ वाटर बॉडी, एडजेसेंट वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल लेक, पॉन्ड। और सर ये जो होता है जैसे कि बाढ़ है, और हम जैसे बाढ़ जहाँ पे आती है वो जमीन पे पूरी खाली रहती है, हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, दूर दूर तक वो खाली रहता है, लेकिन अगर उसी जमीन पे हम पौधे उगाएं, फॉरेस्ट उगाएं, तो सर ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सर ये मिनी ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे कि हम लोगों के स्कूल में बड़ा ब्लूटूथ कनेक्टिंग डिवाइस होने के कारण उसे चार्ज करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे बनाया, जिसमें पुरानी बैटरी और दो पुराने स्पीकर का यूज किया गया है और एक ब्लूटूथ पैनल है। आधे घंटे में मतलब चार्ज कर सकते हैं और दो घंटे तक चला सकते हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार राय है, मैं रफी अहमद के द्वारा इंटर कॉलेज से हूँ, और ये लाइफाई टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन है। लाइफाई टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, तो इससे एक तरह से ये वाईफाई है पर इसमें रेडिएशन यूज नहीं होती है, इसमें लाइट यूज होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ये बहुत कॉस्ट इफिशियंट भी होता है। तो ये लाइट की वजह से मतलब डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे हमने ह्यूमन हार्ट बनाया है, जैसे कि जैसे क्या क्या कार्य करता है, जैसे अंदर आता है तो अंदर हम दिखा नहीं पाते हैं, तो बाहर है तो इसे हम दिखा सकते हैं, जैसे कि सर ये ब्लाइंड मैन हेल्पिंग स्टिक है, जिसकी मदद से अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन इसको लेके चलता है तो अगर उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा नॉर्मल, और फिर एक बजर बजेगा जिसकी मदद से उसे ये पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है, रुकना है या फिर एक टर्न लेना है। रेन अलार्म सिस्टम है, अगर जी इस पे पानी बारिश आ रहा है तो ये आवाज करने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा इससे। हाँ बजने लगेगा और अलर्ट कर देगा, आप बाहर जाकर अपने कोई भी सामान रखे हैं अपना अंदर कर लीजिए और बंद कर दीजिए। सर हमारा प्रोजेक्ट तो पॉल्यूशन पे है कि पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं और फिर यहाँ कारों से निकलते हुआ धुआं, जिससे एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, आग का धुआं ज्यादा होता है, फिर वाटर पॉल्यूशन है, केमिकल्स का वेस्ट बह के नदियों में जाता है जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है, लोग घरों से कूड़ा करके निकाल के नदियों में नालों में फेंक देते हैं, नदियों में जाता है, उसके बाद आता है हम लोग का सॉइल पॉल्यूशन, घरों का कूड़ा करके लोग फेंक देते हैं, और फिर आता है नॉइस पॉल्यूशन साउंड की वजह से होता है जो। मेरा नाम अंशिका सानी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ रामनारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की तरफ से। ये उत्सर्जन तंत्र है जो हमारे किडनी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, और ये किडनी जो हमारे खून को छानता है। ऐसे हमारे मूत्राशय द्वार से निकल जाता है जो हम लोग खाते पीते हैं,
मेरे मॉडल का सिंसेट है सोलर एरिगेशन। यस, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, इसलिए हमने सोलर मॉडल बनाया है। इसमें पानी डालने से मोटर चालू करेंगे तो बाहर आएगा। स्ट्रीट लाइट से हम इसको बल्ब को जला सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा है। मैंने मिजांशी वर्मा, मैं कक्षा दस की छात्रा हूँ। मैंने वर्षा जल संरक्षण पर एक मॉडल बनाया, जैसे कि जब वर्षा बरसती है तो हम इस पहले टैंक में जमा कर लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम इस टैंक में जमा कर लेते हैं। जब वर्षा होती है तब तो खेत में पानी ऑलरेडी रहता ही है, फिर उसके दो तीन या कुछ हफ्तों बाद जब हमें बारिश की मतलब खेतों की सिंचाई के लिए पानी आवश्यकता होती है, तब हम इस टैंक के साथ थ्रू हम अपने खेत में पानी डाल सकते हैं। इससे हमारे खेत की सिंचाई भी हो सकती है। अगर हम इस घर पे भी नहीं बना सकते, अगर हम चाहे तो इसे पाउंड में भी ये चीज इकट्ठा कर सकते हैं वर्षा का जल। मेरा नाम बबीता यादव है, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम कुमारी जागृति चौहान है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम कृति भारती है, मैं दसना इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं 9th ए में। मेरा नाम रेणुका शर्मा है, मैं दसना इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीलम विश्वकर्मा है, मैं छात्रा 9th की हूँ। हमारा मॉडल रेन हार्वेस्टिंग का है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे बारिश होगा, पानी इकट्ठा होगा जो पाइपों के हर घरों पे पाइप लगा के पाइपों के माध्यम से तालाब में जाएगा, तालाब में इकट्ठा होगा, जिससे हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, जिससे पानी की बहुत असुविधा हो रही है। इससे जल अवशोषित, भूमि जल को अवशोषित करेगी, जिससे वाटर लेवल हमारा बना रहेगा। इससे हम व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे मछली पालन है और उसके ऊपर मुर्गी पालन का जो अवशिष्ट पदार्थ होगा मछलियाँ खाएंगी, जिससे उनकी वृद्धि होगी मछलियाँ की। जिससे मछली पालन किया जाता है उसका पानी बहुत कचरा होता है, जिसे हम अपने खेतों में डालेंगे वो खाद युक्त पानी होगा, जिससे हमारे फसल में भी वृद्धि होगी। यहाँ पे हमने पशुपालन किया है जो कि जैविक खाद के लिए, यहाँ पे इसके गाय के गोबर को हम इकट्ठा करेंगे गड्ढे में, जो जैविक सड़ने के बाद जैविक खाद बनाएगा, जो अपने खेतों में डालेंगे। तो जहर युक्त खाद न डाल के हम इसका प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे खेत प्रोटीन युक्त अनाज देंगे। माय नेम इज अंजलि कुमारी और माय स्कूल नेम इज श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय। और ये वाटर साइकिल, हमारा प्रोडक्ट है वाटर साइकिल। जब समुद्र और नदी पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे वाटर हीट होता है, तो फिर वो गैस बन के ऊपर बादल में जाता है, तो फिर वो ऊपर मिक्स होकर वो बादल बन जाता है। उसके बाद जो उसकी बॉटल्स होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वही समुद्र में जाते हैं, फिर वही काम होता है, तो यही बार बार चलता रहता है, तो इसी जल चक्र कहते हैं वाटर साइकिल। सर मेरा नाम अमन कुमार है, मैं 10th का छात्र हूँ। मेरे कॉलेज का नाम वीर शिवाजी इंटर कॉलेज है। मैंने यहाँ पे एक सर परफेक्ट मॉडल स्कूल बनाया है, जो हमारे आने वाले भविष्य में बढ़िया से बच्चों को शिक्षा मिल सके, उसी को सोचते हुए मैंने एक मॉडल स्कूल बनाया, जिसमें हर एक चीज का व्यवस्था कर रखे हैं, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके प्रोजेक्टर के माध्यम से और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था मैंने यहाँ पे। और मैंने स्कूल में देखे हैं चपरासी हुए हैं या टीचर या बच्चे हुए, यहाँ पे टंकी चालू कर देते हैं और बिजली और पानी दोनों नुकसान होता है, जिससे बिजली और पानी दोनों नुकसान होता है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे अलार्म लगा रखा है। देखिए यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, टंकी भरेगा तो अपने यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। और यहाँ पे हम स्कूल में रेन वाटर को कलेक्शन करके यहाँ से मैं बिजली का उत्पादन करूंगा, जिससे यहाँ पे बिजली पानी को टरबाइन पे गिरा करके यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के बाद मैंने यहाँ पे बैटरी लगा रखा है, जिससे बैटरी चार्ज होगी, जिससे यहाँ पे टरबाइन पे पानी गिरेगा, जिससे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट और इसको हम लाइट को हम चला सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक रेन वाटर अलार्म लगा रखा है, जिससे सबसे बड़ी फायदा किसानों को होगा। जैसे कि किसान अपना अनाज खुली में छोड़ देते हैं और घर में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान होता है, अनाज भीग जाता है, तो ये अलार्म में जब बारिश आएगा, इसमें बारिश की बूंदे गिरेंगे तो अलार्म में बजेगा और यहाँ पे अलार्म अपने आप बजेगा, जिससे किसान अपना
अनाज को इकट्ठा कर लेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं दयाना इंटर कॉलेज से हूँ और मैंने रैन डिटेक्टर अलार्म मॉडल बनाया है जो कि इसे पानी के नीचे बजने लगता है। मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है, मैं दयाना इंटर कॉलेज का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे इको फ्रेंडली साइंस मॉडल बनाया है जो कि पर्यावरण पर आधारित है। अगर हम आने वाले समय में पेड़ पौधे काट देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रह जाएंगे और ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जिससे मैंने यहाँ पे एक वाटर टैंक लगाया है, बारिश के समय अगर बारिश आए तो यहाँ पानी गिरेगा वॉल में और वॉल से हमारे फसलों तक पहुँचेगा और पानी फसल तक पहुँचेगा जिससे पानी वेस्ट होने से बचेगा और आने वाले समय में जनसंख्या के लिए और अच्छा ही रहेगा। अगर हम जितना पेड़ काट दे, सरकार को ये नियम लाना चाहिए कि जितने भी मतलब जो जमीन खरीद रहे हैं उनका जितना जमीन खरीदे 50% घर बनवाएं और 50% पेड़ पौधे लगवाएं। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं कॉपरेटिव इंटर कॉलेज प्राइज गोरखपुर से। ये जो एक नई पद्धति का कल्टीवेशन है, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन, जिसमें बिना मृदा के अनेक प्रकार के खेती को उगाया जा सकता है और घरेलू स्तर पर इसका उपयोग वृहद स्तर पर किया जा सकता है कमर्शियल स्टेट और अपने उपयोग के लिए। इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्वों को जली विलयन में घोल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है तथा अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को इसमें सर्कुलेट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज द मॉडल ऑफ थर्मल इंसुलेशन बोर्ड। सर इसमें हम लोग रीयूज कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट का, जिसे सर स्टेज वन है जिसमें हम लोग पूरा प्लास्टिक वेस्ट यूज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसको अलग करके जो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता उसको अलग कर देंगे, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किनारे किनारे प्लाई लगा के उसमें बीच में भर देंगे, जिससे कि सर ये इंसुलेशन बोर्ड की तरह काम करेगा, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देगा। और सर ये जैसे ठंडे इलाकों में जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे काम आएगा और सर ये जैसे चीप भी होगा, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, जिससे हम आसानी से इसको बना सकते हैं कहीं पर भी। यस सर और इस लाइट वेट रहेगा, जैसे कहीं भी पर ले जा सकते हैं। और सर जैसे अगर पहाड़ी इलाकों में घर उड़ गिरने की ज्यादा संभावना रहती है, अगर वहाँ पे इसका यूज करते हैं, अगर गिरेगा भी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एवरीवन, मेरा नाम श्रीराज यादव है, ये हम जैव विविधता पे बनाए हैं। इसमें हम बताना चाहते हैं कि कोई भी जीव एक समान नहीं होता, इसमें सब जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसमें हम जैसे सब जाति विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सर मेरा नाम पल्लवी सहानी है और मैं पटेल स्मारक इंटर कॉलेज की छात्रा हूं और मैं एक पराली को कैसे यूज करें उसके ऊपर मैंने एक मॉडल तैयार किया है, जिसे हम मिक्सिंग चैम्बर में पराली को डालेंगे और उसे पानी डालेंगे और कुछ दिन तक उसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर यह स्टोर टैंक में चला जाएगा और 10-15 दिन की प्रोसेसिंग के बाद इससे जो गैस रिलीज होगा वह इसमें आएगा, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उससे जो हमारा एलपीजी गैस घरेलू है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है, उसको हम फिल्टर करके निकाल लेंगे और बाकी जो गैस बचेगा वो इस टैंक में आएगा, इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और इसके फायर सेंसर लगा रहेगा जो गर्म करने के लिए उपयोग होता है और इसमें जो स्टीम निकलेगा उससे टरबाइन चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और सर हम लोगों ने ये रूफ टॉप वेजिटेबल गार्डन तैयार किया है, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारा केमिकल वाले वो वेजिटेबल्स आ रहे हैं जो खाने से हानिकारक शरीर पे पड़ रहे हैं, इसलिए हमने एक रूफ टॉप पर वेजिटेबल गार्डन बनाया है। सर ये रेन डिटेक्टर है जो वर्षा की बूंदे गिरने पे पता चल जाएगा कि हाँ बारिश आ रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा बहुत सारी वस्तुएं बाहर अच्छी होती है उसको अंदर कर सकते हैं। इसका उपयोग ये बहुत ही कम बिजली में हो सकता है, इसका बहुत सी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई मोटर अगर हम लोग घर में ही चलाते हैं मोटर, उसके ऊपर ही सतह पे लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा पानी भर चुका है, इससे पानी की बचत भी हो सकती है। सर ये जो आप देख रहे हैं सर, ये वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका वर्क है सर, जो छत पे सर पानी लगता है उसको हम लोग यूज में नहीं ला पाते हैं, उसको सर हम स्टेम में सर स्टोर करके उसके बाद से हम अपने हाउस वर्क में इसका यूज कर सकते हैं और अपन अपने गार्डनिंग वगैरह भी इस काम यूज कर सकते हैं। इसे
जल सर बस बचेगा इसका उचित उपयोग हम लोग कर पाएंगे। इधर सर ये तालाब है सर जिसमें सर मछली उछली वगैरह हम उसमें सेव कर सकते हैं, और ये सर ये गार्डन है इसमें हम पानी उचित आवश्यकता में इसको हम चला सकते हैं और घर के प्रयोग के लिए भी हम कर सकते हैं। श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज जुड़वा बाजार गोरखपुर। सर ये ब्लैक बोर्ड क्लीनर सर रिमोट से चलता है, ऑपरेट होता है रिमोट से। मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरा नाम हरिओम है, मैं कक्षा 12 बायो वर्ग का छात्र हूँ। मैंने एक न्यूटन किडल बनाया है जिसे एडमी मारियो द्वारा डिजाइन किया गया था और सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया था। इसका बनाने का उद्देश्य केवल मेरा था, इसकी उपयोगिता पर है। और इसके संरचना तथा इसके सिद्धांत के आधार पर एक यंत्र बनाया गया जिसे लिथोट्रिप्स यंत्र कहते हैं। उस यंत्र से हम गुर्दे की पथड़ी को फोड़ने में काम आता है। जैसे कोई इसको कोई अंदर बन के उसको वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो जब टकराती है तो एक प्रगति तरंग उत्पन्न करती है। वही प्रगति तरंग त्वचा और कोशिका के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती है जो बिना नुकसान के गुर्दे को फोड़ सकती है। मेरा नाम साक्षी तिवारी है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जनता इंटर कॉलेज है और मैंने सोलर एनर्जी बनाया हुआ है जिसमें हमने सोलर पैनल का यूज किया है जिससे हमारी बिजली सेफ हो सकती है और हम मतलब बिजली से सारी चीजें चला सकते हैं, और फैन हुआ और टीवी, बिजली की बचत बहुत ज्यादा होती है। और हम इसमें एक कमी भी है कि बारिश के मौसम में हम इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं मौसम की वजह से। माय नेम इज सीमा चौहान, मैं क्लास 9 B2 की। मेरे स्कूल का नाम एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज, और मैं पंछियों भगाने के बारे में ध्वनि के यंत्र बताती हूँ। कैल्शियम और कार्बन जल मिलाकर लाइटर की सहायता से जलाते हैं इसमें ध्वनि निकल जिससे हमारे खेत में घुसते जंगली जानवर यहीं पे दूर ले जाओ। कैल्शियम और जल मिलाकर लाइटर की सहायता से हम इसे जलाए हैं, और इसे जलाकर जिस समय खेत में घुसे जंगली जानवर डर से भाग जाते हैं। ये किसानों के लिए काम आता है और ये जो किसान जो खेत में रहते हैं उन्हें रक्षा करने में मदद करता है जिससे हमारे खेत में नुकसान होने से बच जाता है। प्रकाश है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जुबली इंटर कॉलेज है। यह मैंने पक्षियों को भगाने वाला ध्वनि यंत्र बनाया है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और प्लस जल इसके अंदर डालेंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे कि किसान अपने खेतों की रक्षा कर सकते हैं। इसको जलाने के लिए इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और ये जल डालते ही लाइटर की सहायता से इसके अंदर जलाएंगे। जलाते ही एक्सपीरियन गैस बनेगी जो पक्षियों को भगाने के लिए किसान की खेतों की रक्षा करेंगे। हमारा आज का विषय है जलवायु परिवर्तन, जो कि आज विश्व स्तर पर सबसे बड़ा विषय है। मानव अपनी जरूरतों के लिए अधिक मात्रा में पेड़ तो काट दे रहे हैं, लेकिन उनसे होने वाले दुष्प्रभाव पर वह नजर नहीं डाल रहा है कि आगे चलकर हमारी पृथ्वी किस प्रकार होगी। मानव वनों को काटकर अपने लिए घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियां औद्योगिक क्षेत्र में लगा रहे हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ही वह गैस है जो पृथ्वी के गर्म वाष्प को ऊपर जाने से रोकती है, जिसके कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है। अधिक मात्रा में ग्लेशियर गल जाएंगे और पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। ये हम लोग मल्टीपर्पज चूल्हा बनाए हैं जो कि गांव में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बनाए यहाँ पर दो लेयर हम लोग लगाए हैं, पहला लेयर और इसके अंदर हम लोग टंकी नुमा छेद बना दिए हैं। ये भूसी है धान का अवशिष्ट पदार्थ, जिसको हम लोग प्रयोग करेंगे तो कम प्रदूषण फैलेगा। और ये दूसरा, इसमें पानी डालेंगे, वहाँ पर यहाँ पर इसका ढक्कन रखा हुआ है, पानी डालेंगे, ये हीट होगा तो पानी भी हीट होता रहेगा, तो हम लोग आवश्यकता अनुसार अपने पानी को यूज कर सकते हैं
और जो वाष्प उठेगा यहाँ पर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रयोग बैटरी में कर सकते हैं, प्रयोगशाला में और चिकित्सक क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग इसको बना सकते हैं। जो यहाँ पर हम बनाए हैं, जो यह एक सोलर सिस्टम है, उसके बाद यह भी है जो क्या कहते हैं अर्थ रोटेशन है, किस प्रकार अर्थ रोटेट हो जा रहा है। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है और कैसे मौसम का बदलाव होता है उसके प्रकार हमें देखते हैं। इसको हम यहाँ पर जो होता है परिक्रमण गति कर रहा है, सूर्य के चारों गति जो करती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, मतलब यह परिक्रमण गति कर रहा है। इसके बाद ये भी है जो कि इसी टाइप है, पर यह घूर्णन गति करता है, यह घूर्णन गति कर रहा है जिसके कारण हमें दिन और रात का रात बदलता है, दिन और रात होते रहते हैं। इसका जो इन दोनों ये दोनों है, मतलब इसके अनुसार हमको पता यही चलेगा कि इसके दिन रात होते हैं, इसके यह घूर्णन गति है और यह परिक्रमण गति है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम महेश है और मैं राजकीय हाई स्कूल पतरा भटट गोरखपुर का छात्र हूँ। मैं सौर वृक्ष बनाया हूँ, जैसे कि आमतौर पर छत पर लगने वाले सोलर पैनल की अधिक जगह की आवश्यकता होती है, और अगर जो इसे पेड़ के आकार का बनाया जाए तो यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, जैसे कि ये काम भी करा, ये सब बल्ब भी बढ़ जाएंगे और इससे बहुत ही काम हो सकता है। इसे नदी के घाट पे लगाया जा सकता है, जिससे मोटर बोर भी चलाया जा सकता है और नीचे की जगह कम कवर करके ऊपर फैला रहेगा, ताकि नीचे की जमीन में हम कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे घर के लॉन में लगा सकते हैं और बालकनी में लगा सकते हैं। माय नेम इज तौफीक अली एंड शिवम कुमार गुप्ता, नीना थापा इंटर कॉलेज। सर ये हिट एंड हाइट मिसाइल है सर, और कैल्शियम कार्बाइड और जल को जब डालते हैं तो एसिटिलान गैस बनता है और जब आग लगाते हैं प्रेशर के वजह से मिसाइल को बाहर निकालता है, और उद्देश्य सर डेमो दे देंगे, बाहर दे सकते हैं। कौन सा कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड डाल रही है, और ये कैल्शियम कार्बाइड है और ये पानी डालने जा रहे हैं। ये पानी डाल रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं। मेरा नाम सचिन कुमारी है। हम लोगों ने ये डीएनए डिक्रिंडली मॉडल बनाया है जो वासन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीनिउक्लिक एसिड है। क्या क्या उसमें होता है? कितना है? दो क्या? अभी जो भी यहाँ पे मॉडल्स बच्चों ने बनाया हुआ है और विभिन्न स्कूल से जजेस आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि बेसिस क्या है, किस बेसिस पे मूल्यांकन कर। देखिए ये जो है विज्ञान, ये विज्ञान प्रदर्शनी है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है। इसमें जनपद के जो है विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अपने प्रतिभागी बच्चों के साथ आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितना अब तक हम लोगों ने देखा है इसका मूल्यांकन करते समय, बच्चों ने बहुत ही पूरी प्रतिभा के साथ अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए मॉडल एक से एक बढ़ के मॉडल बनाए हुए हैं कि देखने में वास्तव में लग रहा है कि हाँ बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। और इसका मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के कई बिंदु दिए हुए हैं, जैसे बच्चे ने अपने सृजन क्षमता का कितना उपयोग किया है, रचनात्मकता क्या बच्चे की है, इसमें खर्चे कितने पड़े हैं, कि रॉ मटेरियल से बनाया है कि नहीं बनाया, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ मैं डाइट से हूँ, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, मेरा नाम वासुदेव है और हमारे साथ ही डाइट से ही हैं प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान। टीम में सर कितने? हाँ टीम में टोटल मिला के 5 जजेज हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आप लोगों ने देखा यहाँ पे, और जो मूल्यांकन मॉडल्स का हो रहा है, बेसिस क्या है उसका? ये बच्चों की सोच है, ये फॉर्मेट में इनकी सृजनात्मक क्षमता, वैज्ञानिक सोच, इनका प्रस्तुतिकरण और वेस्ट मटेरियल से बना, मतलब कॉस्ट क्या आई है,
ये सारी चीजें हैं। तो आपके हिसाब से लगभग अभी तो मूल्यांकन चल ही रहा है? अभी तो चल रहा है सर। अब तो इन ये तो अभी छोटे बच्चे हैं अभी जस्ट, और इनका जो इनकी क्या क्यूरियोसिटी है, हम जो बहुत सारी मिल रहे हैं बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं, और कहाँ तक इनका थिंकिंग जा रहा है, किस तरह से सोच रहे हैं? टॉपिक इन्होंने अपनी तरह से सिलेक्ट किया, अपने हिसाब से सिलेक्ट किए हैं, और खासकर से पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज के समय में उनको अप्लाई करने का जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट दिखाए जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत सारे इकोनॉमिकली बेस्ड जो है सोलर प्लांट से रिलेटेड है, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों ने दिखाए हैं और अच्छा बनाया बच्चों ने। श्री मैं श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज दुबरा से आया हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, मैं विज्ञान वर्ग में सहायक अध्यापक हूँ। तो बच्चों को मॉडल बनवाने में काफी मेहनत पड़ी होगी कि बच्चों ने बहुत नहीं बच्चे हमारा ये बच्चा है बहुत प्रतिभाशाली है, और इसने अपने दिमाग से ही कई सारी चीजें सामने लेकर के आया और बोला कि सर मैं ये बना रहा हूँ और इसमें थोड़ी हेल्प, तो फिर उस ढंग से इन चीजों को किया गया। अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं उनके पेरेंट्स भी बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है कि इनके जो बच्चे हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हम लोग चाहते हैं कि विकास का दरिया बढ़ते रहे, हमारा देश आगे बढ़े, देश के प्रति हम लोग की सहानुभूति रहे, हम लोग हर तरह से संभव कर सके हर चीज। अरे यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहा है, देखने से ज्ञान ही बढ़ रहा है, बच्चों का भविष्य आगे भी बढ़ेगा अगर बच्चे को मौका मिला तो। आपका बच्चा खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है ये? हाँ, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आगे आए हैं, लड़के आगे बढ़े, विकास करें देश का।